ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। सर कुछ दिनों से क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, प्रॉब्लम थी, तो हम लोग बेटा आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो हम लोग के आईसी इंजन है उसमें गैस पावर साइकिल्स पढ़नी है हम लोगों को, और उसमें प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। तो हमने आपसे कहा था कि प्रोसेसेस के बारे में हम लोग थोड़ा बेस बनाएंगे। उस बेस बनाने के लिए करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट में थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। का पर्पस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना नहीं है, यह भी नहीं है कि आप थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित सारे सवाल कर लें। हां, लेकिन यह जरूर है कि गैस पावर साइकिल जब हम समझाएं तो आपको थोड़ा समझ में आए कि हम प्रोसेसेस को कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए उसी कड़ी में हम लोग अपना चौथा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। यहां 7 लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो चौथे लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पिछले टर्म में जो देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे चलेंगे। बेटा देखिए, कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब थोड़ा सा हम लोग जब गैस बोल रहे हैं तो हम लोगों ने बोला गैस नहीं, गैसी अवस्था, गैसी स्टेट। हम लोगों ने पिछले टर्न पे ये डिस्कस किया कि जब हम कहते हैं गैसी अवस्था तो अब आप कह रहे हैं इस गैसी अवस्था को दो में डिवाइड कर रहे हैं, एक को बोल रहे हैं गैस और एक को बोल रहे हैं वेपर या वाष्प। अब गैस भी दो तरह की हो सकती है, एक को हम बोलते हैं आइडियल गैस या कभी कभी इसको परफेक्ट गैस भी बोल देते हैं। दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बट आम बोलचाल की भाषा में आइडियल गैस और परफेक्ट गैस एक ही मान लेते हैं, और दूसरे को बोलते हैं रियल गैस। अब जो हमारा वेपर है और जो गैस है, इन दोनों में एक बेसिक फर्क है जिसको हम लोग लास्ट टर्न पे डिस्कस किया है। तो अब बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि गैस और वेपर में क्या फर्क है, तो इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक आसान शब्दों में और एक थोड़ा मुश्किल शब्दों में। जो मुश्किल शब्दों में वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे या थर्मल पावर प्लांट जब पढ़ते हैं तब करेंगे। आसान शब्दों में उन्होंने क्या बोला था, हम लोगों ने बोला था वेपर्स कैन बी लिक्विफाइड इजली। लिक्विफाइड का मतलब होता है बड़ा द्रवित हो जाना, लिक्विड फॉर्म में आना। तो वाष्प वो हैं जिनको आसानी से द्रवित किया जा सकता है, बट गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गैसेस को द्रवित नहीं किया जा सकता, गैसेस को भी द्रव फॉर्म में लाया जा सकता है, लेकिन आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से। इसका मतलब वह गैसी अवस्था जो आसानी से लिक्विड फॉर्म में आ जाए उसको वाष्प कहेंगे, और वह गैसीय अवस्था जो आसानी से लिक्विड में ना आए, मुश्किल से आए, उसको हम गैस कहेंगे। मैंने आपको उदाहरण बताया था कि उमस भरे मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर उमस भरे मौसम में हम लोग एक गिलास में जल ले लें और इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दें, तो मानी बात है इस जल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। मान लीजिए टेम्परेचर आ गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस वक्त जो हमारे बाहर गिलास के बाहर जो वायु है, इस वायु में क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, मुख्य रूप से 2 गैसेस हैं, और साथ साथ क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब जल वाष्प। अब आप पाएंगे कि कुछ देर के बाद इस जगह पे कुछ पसीना या कुछ लिक्विड आ जाएगा। ये लिक्विड कहां से आया, ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें है ऑक्सीजन, इसमें है नाइट्रोजन और इसमें है जल वाष्प। जल वाष्प का मतलब समझ रहे हैं, जल वाष्प का मतलब है H2O, जो वाटर है, लेकिन ये किस फेज में है, किस फॉर्म में है, कि गैसियस फॉर्म में है। तो ये जो सबसे पहले लिक्विड बन के आपको दिखाई देगा ग्लास की सतह पे, वो यही जल वाष्प है। इसका मतलब अंदर का टेम्परेचर पानी का 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, इस टेम्परेचर पे ये जो हमारा जल वाष्प है, जो वाष्प के रूप में था, गैसियस फॉर्म में था, वो लिक्विड बन गया। लेकिन इस वक्त हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में नहीं बना है, मतलब इस वक्त अभी भी बाहर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो गैसेस फॉर्म में है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह -150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये गैसेस भी द्रवित होने लगेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनको द्रवित तो किया जा सकता है, लेकिन इनको द्रवित करने के लिए आपको यहां पर टेम्परेचर लाना पड़ेगा -150, -200, जो कि आसान नहीं होगा। इसका मतलब जो आसानी से द्रवित हो जाए वो वाष्प, और जो आसानी से द्रवित ना हो वो गैस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और क्या है, वाटर वेपर है या जल वाष्प है, जल गैस नहीं कहते। अब इसको मैंने लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था क्योंकि बीच में क्लासेस मिस हो गए थे, तो मैंने इसको जोड़ दिया और अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें बेटा हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते हैं थोड़ा सा इस आइडियल गैस के बारे में ज्ञान डेवलप करें। क्यों इस आइडियल गैस के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान डेवलप करना है, क्यों करना है, इसलिए करना है बेटा क्योंकि जो हमने आईसी इंजन में जो गैस पावर साइकिल पढ़ना चाहते हैं, उस गैस पावर साइकिल को पढ़ते वक्त हम अपना वर्किंग मीडियम या कार्यकारी माध्यम आदर्श गैस मान के पढ़ाई करते हैं। तो जब हम वहां पे वर्किंग मीडियम या जो निकाय है
वो आदर्श गैस मान के पढ़ाई करेंगे, तो आदर्श गैस होती क्या है, उसके नियम कानून क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से समीकरण हम लगा सकते हैं, कौन कौन से नहीं लगा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बेस बनाएंगे, तभी हमें मदद मिलेगी। तो हम पढ़ना चाहते हैं आइडियल गैस, या हिंदी में बोलें तो आदर्श गैस के बारे में। आइए थोड़ा सा आइडियल गैस के बारे में एक बेसिक नॉलेज डेवलप करें, जो कि हमें वहां पे समझने में मदद करेगी। आइए अब बेटा देखिए, आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ हम लोग अजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहला अजम्पशन हमारा क्या होता है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं है। अर्थात हम कहते हैं नो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल मीन्स अणु। तो हम कहते हैं कि आदर्श गैस वह है जिसके अणुओं के बीच में किसी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण का बल नहीं है। मतलब जो अणु है परस्पर बहुत दूर दूर हैं, इतने दूर हैं कि उनके बीच में किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं है। पहला यह अजम्पशन है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि जो गैस होती है क्या होती है, जिस बर्तन में रखी जाती है उसका आयतन ले लेती है। तो हम यहां मानते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है उसके तुलना में जो अणुओं का वॉल्यूम है वो नगण्य है। मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस कमरे में मान लीजिए हम कहते हैं 10x10x10 का कमरा है, तो इस गैस का आयतन कितना है, 10x10 100, 100x10 1000, 1000 मीटर क्यूब यहां पे गैस का वॉल्यूम है। लेकिन ये जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने खुद कुछ जगह घेर रखी होगी, तो कायदे से देखा जाए गैस को विचरण करने के लिए या गैस को जो घूमने के लिए, मतलब इसके लिए हमारा वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, 1000 मीटर क्यूब माइनस वो जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स का आयतन है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस कमरे के आयतन के तुलना में इस गैस के अणुओं का जो वॉल्यूम है वो नगण्य है। तीसरा, हम लोग मानते हैं कि आदर्श गैस वो है जो किसी भी प्रक्रम के दौरान अपना फेस चेंज नहीं करती, अर्थात इसको लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, हमेशा गैसी अवस्था में रहेगी, इसका फेस चेंज नहीं होता। ये तीन अजम्पशन है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डायरेक्टली यूजफुल नहीं है। जो अब आप पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो वहां इसका और डिटेल में पढ़ते हैं और कई अजम्पशंस पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो महत्वपूर्ण है वो क्या होने जा रहा है बेटा, कि जो हमारी आदर्श गैस है ये कुछ रूल्स का पालन करती, और उसमें से मुख्य रूप से ये तीन रूल्स हैं जिसका आदर्श गैस पालन करती है, हम ऐसा मानते हैं। सबसे पहले होता है पीवी बराबर आरटी, इसको आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे। इसको बोलते हैं अवस्था का समीकरण, आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण, जहां पे पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, टी क्या है टेम्परेचर, यहां पे कैपिटल टी है परम ताप है, और आर क्या है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए अलग अलग होता है। तो हम ये मानते हैं कि किसी भी गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर परस्पर इस समीकरण से बंधी रहती हैं, अवस्था के समीकरण का पालन करती है। अगर आदर्श गैस है तो हम पीवी बराबर आरटी लगा सकते हैं, कि आदर्श गैस नहीं है तो हम पीवी बराबर आरटी नहीं लगा सकते। इसके बाद जो दोनों अजम्पशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आदर्श गैस है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, यहां पे बेटा हम लोग यू स्मॉल ले रहे हैं, अगर यू कैपिटल लेते हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी, और यू स्मॉल लेते हैं तो प्रति किलोग्राम या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, अगर हम स्मॉल एच लेते हैं तो स्पेसिफिक इंथैल्पी या एक किलोग्राम की इंथैल्पी, और हम कैपिटल एच लेते हैं तो एम मास की या टोटल मास की इंथैल्पी। तो अब चलो देखिए, जो इंटरनल एनर्जी है आदर्श गैस की, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फलन होती है। इसी प्रकार से जो हमारी इंथैल्पी होती है आदर्श गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फलन होती है। इसका मतलब आदर्श गैस की इंथैल्पी और आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और साथ ही साथ पहला क्या रूल है कि आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर आरटी। अब आदर्श गैस है तो इन तीनों को पालन करेगी, और आदर्श गैस नहीं है तो इन तीनों का पालन नहीं करेगी। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने गैस पावर साइकिल में बहुत करेंगे, कई जगह हम बोलेंगे इस बात को, तो आपको ध्यान देना है। यहां पे पी क्या है प्रेशर, अब देखिए बेटा यहां पे वी स्मॉल वी है, स्मॉल वी का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब इकाई द्रव्यमान का वॉल्यूम। आर क्या है स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट, आर आता कैसे है आगे देखेंगे बेटा, आर आएगा हमारा आर यू बाई एम से, और टी क्या है परमताप, परमताप मतलब केल्विन में जो टेम्परेचर होता है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा 273 जोड़ लेंगे। तो इन तीन नियमों का पालन करेगी आदर्श गैस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, अब देखिए नोटेबल पॉइंट, देयर इज नो सच गैस विच फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ एन आइडियल गैस। सच बात तो यह है
दुनिया में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो आदर्श गैस की सारी मान्यताओं का पालन करे। कहने का मतलब आदर्श गैस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब बट अंडर सर्टन कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, परंतु दाब और ताप की कुछ स्थितियों में हम अपनी वास्तविक गैसेस को आदर्श गैस जैसा बिहेव करता हुआ मान सकते हैं और उनके ऊपर आदर्श गैस के नियम कानून लगा सकते हैं। इसका मतलब कि आदर्श गैस ऐसी कोई चीज नहीं होती है, परंतु जो हमारी वास्तविक गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं, यहां तक कि जो हमारे वाष्प हैं, उन पे भी हम आदर्श गैस के समीकरण लगा सकते हैं और चीजों को कैलकुलेशंस करेंगे तो सही पाते हैं लगभग लगभग, परंतु कब, हमेशा नहीं। कुछ प्रेशर और टेम्परेचर की परिस्थितियां, वो परिस्थितियां जो उसको आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लायक मानी जा सकती हैं, उस वक्त हम लोग उसको कर सकते हैं। आइए अब देखिए वो कौन सी अवस्थाएं हैं जब हम मान सकते हैं कि हमारा कोई भी रियल गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी। तो वो अवस्थाएं होती हैं बेटा, टेम्परेचर अगर हाई हो और साथ ही साथ प्रेशर अगर लो हो। अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, और अगर प्रेशर लो है तो भी मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में किसी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण का बल नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं जब डेंसिटी लो हो, या आप ये तो अगर डेंसिटी लो है, या कह सकते हैं मान लीजिए प्रेशर सेम है, दोनों जगह 10 बार है, बट एक जगह टेम्परेचर 100 केल्विन है, एक जगह टेम्परेचर 1000 केल्विन है। प्रेशर सेम है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। या कह सकते हैं टेम्परेचर सेम है, दोनों जगह 100 केल्विन टेम्परेचर है, 100 तो नहीं कहिए 1000 केल्विन टेम्परेचर है, परंतु यहां पे प्रेशर 1 बार है, यहां पे प्रेशर 1000 बार है। तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, इन दोनों परिस्थितियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई हो या प्रेशर लो हो, बेस्ट तो क्या है कि टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, ये दोनों परिस्थितियां अगर एक साथ मिल जाएं तो हम मान सकते हैं कि हमारी जो रियल गैस है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगी और आदर्श गैस के नियम कानून को हम यहां लगा सकते हैं। अब देखिए बेटा, एक एनिमेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे देखिए मॉलिक्यूल्स बहुत सारे ज्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है मतलब उतनी ही जगह में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो डेंसिटी हाई है, यहां पे मॉलिक्यूल्स लो है तो डेंसिटी लो है। अब देखिए बेटा, ये मॉलिक्यूल्स जो है बहुत तेजी से गति कर रहे हैं। हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में टेम्परेचर के बारे में हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर क्या है, गतिज आणविक सिद्धांत के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर कुछ नहीं है, अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, और माध्य गतिज ऊर्जा में क्या है, हाफ एमवी स्क्वायर, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो यहां पे देखिए मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत हाई, और यहां पे देखिए मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम है। अगर वेलोसिटी हाई है यहां पे तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और यहां पे वेलोसिटी लो है इसका गतिज ऊर्जा कम होगी। तो ये हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी, तो हम इसको आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता मान सकते हैं, परंतु इसको नहीं मान सकते। यहां पे क्या है, डेंसिटी लो नहीं है, डेंसिटी हाई है, और टेम्परेचर हाई नहीं है, टेम्परेचर लो है, जो गतिज ऊर्जा कम है, गति कम है। तो अब बेटा ये परिस्थिति है जिस पे हम लोग कहते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इस वक्त जो गैस है इसको आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता हुआ माना जा सकता है और सारे नियम कानून लगाए जा सकते हैं। अब बेटा देखिए, हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हमारे लिए आदर्श गैस के कुछ नियम कानून में से आपने पढ़ रखे हैं, एक कहलाता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर ताप स्थिर हो तो फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, यहां पे गैस का मतलब बेटा है आइडियल गैस, इसका मतलब स्थिर ताप पर फिक्स्ड मास के आदर्श गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और हमारी गैस का मास फिक्स है, और वो भी आइडियल गैस की बात हो रही है, तो उसका जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसको आप क्या कह सकते हैं, PV is equal to constant। तो इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। लेकिन ध्यान रहे ये कब लगेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं PV is equal to constant को, PV बराबर कांस्टेंट का, तो जो लॉ आता है, कर्व आता है, कुछ इस तरह का आता है, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस या हाइपरबोलिक लॉ। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है उस वक्त क्या है, अगर मान लीजिए प्रेशर यहां पे P1 था तो वॉल्यूम V1, तो प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम लो है, लेकिन जब प्रेशर लो हो गया तो वॉल्यूम हाई हो गया, अर्थात इन दोनों का गुणनफल जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब इसको एक एनिमेशन से देखने की कोशिश करते हैं बेटा हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये घट बढ़ नहीं रहा है, और यहां पे देखिए सिरन से जो गैस का मास है वो भी आ जा नहीं रहा है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उतने के उतने हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं,
जब गैस कंप्रेस हुई तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, मतलब प्रेशर घट रहा है या प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन गैस का मास फिक्स है, मीन्स गैस का मास फिक्स है। अब देखिए, जब नीचे आ रहा तो प्रेशर ज्यादा है, जब नीचे आ रहा तो प्रेशर ज्यादा है वॉल्यूम कम है, और जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा है प्रेशर कम है। अब जरा यहां देखिए, 300 टेम्परेचर है, टेम्परेचर फिक्स है। अब देखिए यहां पे जब है तो वॉल्यूम हाई प्रेशर कम, और यहां पे जब आया तो क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम लो और प्रेशर। तो इसका मतलब कि बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, परंतु प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल हर समय कांस्टेंट रहेगा। अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी आप लेंगे इस कर्व के बीच में, तो प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। तो अब आदर्श गैस में जब कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल का नियम लगाया जा सकता है। अब थोड़ा हम लोग इसको प्रोसेसेस का नजरिए से देखा जाए, ये तो बेटा हम लोग जानते ही हैं, हाई स्कूल लेवल से आप पढ़ रहे हो, परंतु प्रोसेस के नजरिए समझिए कि जब भी कोई आदर्श गैस इस प्रकार से प्रक्रम करेगी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल का नियम लगेगा, और हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारी आदर्श गैस है और वो आइसोथर्मल प्रोसेस कर रही है तो किसका पालन करेगी, बॉयल के नियम का पालन करेगी। इसका मतलब जो हमारी प्रारंभिक अवस्था है, पहली अवस्था, और जो हमारी अंतिम अवस्था है दो, इन दोनों के बीच में कौन सा समीकरण लगेगा, लगेगा P1V1 बराबर P2V2, अर्थात इस चार में से कोई तीन अज्ञात है तो चौथा निकाला जा सकता है। इसका मतलब बॉयल्स लॉ किस प्रक्रम के लिए यूजफुल हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के। आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का कहता है अगर दाब फिक्स हो, मीन्स प्रेशर कॉन्स्टेंट हो, तो निश्चित मात्रा की आदर्श गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। आइए देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो चार्ल्स लॉ का कहता है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो जो हमारी निश्चित मात्रा की आदर्श गैस है उसका आयतन, उसका आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू T। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, V बराबर के T, और यहां से क्या आ जाएगा, V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यह आ जाएगा V1 upon T1 बराबर V2 upon T2। अब समझिए, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। इसका मतलब हमारे किसी भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, बशर्ते वो आइडियल गैस का हो, भाप का होगा तो नहीं लगेगा। इसका मतलब आदर्श गैस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। तो कौन सा नियम लगा सकते हैं, चार्ज का नियम लगा सकते हैं। अब यहां पे देखिए, वी प्रोपोर्शनल टी का मतलब क्या है, मान लीजिए टेम्परेचर 100 केल्विन है तो वॉल्यूम ये होगा, टेम्परेचर 200 केल्विन है तो वॉल्यूम ये होगा, टेम्परेचर 400 केल्विन है तो वॉल्यूम ये होगा, और टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम 0 होगा। ये है हमारा चार्ज का नियम। तो चार्ज का नियम कहता है V1 upon T1 बराबर V2 upon T2। आइए इसको एनिमेशन में देखते हैं बेटा। देखिए अब यहां पे देखिए, ये प्रेशर गेज है, ये 1.5 बार दिखा रहा है, प्रेशर फिक्स है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। अब देखिए, जिस वक्त टेम्परेचर ये है तो वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है तो वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है तो वॉल्यूम ये है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम भी घटता है। मीन्स वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वहां पे क्या था, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन वहां टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, यहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट है। अब जरा समझिए, प्रेशर कॉन्स्टेंट को हम लोग अपने प्रोसेसेस की भाषा में बोलते हैं आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो कौन सा नियम लगेगा, चार्ल्स का नियम। अगर चार्ल्स का नियम लगेगा तो दोनों अवस्थाओं के बीच में, मान लीजिए आपकी ये अवस्था है 1 और ये है 2, आपको 1 और 2 में अगर V1 V2 T1 T2 चार में से कोई तीन मालूम है तो चौथा निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो चार्ल्स का नियम लगेगा। चार्ल्स के नियम के हिसाब से क्या होगा, V1 upon T1 बराबर V2 upon T2, उसको लगा के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो गिलुसेक लॉ या प्रेशर लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है निश्चित द्रव्यमान की आदर्श गैस का स्थिर आयतन पर अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो उसका दाब परम ताप के समानुपाती होता है, उसका प्रेशर जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है, अर्थात P is proportional to T। यहां से क्या कह सकते हैं, P is proportional to T। तो आप कह सकते हैं P is equal to KT, यहां कह सकते हैं P upon T is equal to constant। तो यहां से क्या आ जाएगा, P1 upon T1 बराबर P2 upon T2।
इसको थोड़ा सा हम लोग कहना फिर से चाहें तो अब देखिए आप वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं तो बोलते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट जब होता है तो बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब जो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो उसमें हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं गेलुसेक लॉ। इसका मतलब गेलुसेक लॉ से हम लोग उसकी दोनों अवस्थाओं के बीच में जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें परस्पर संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ, आइसोबेरिक प्रोसेस चार्ल्स लॉ, आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या लगेगा, गेलुसेक लॉ। इसका मतलब लेकिन ध्यान रहे ये सारी बातें, ये आइडियल गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ से गवर्न होगा, आइडियल गैस का आइसोबेरिक प्रोसेस चार्ल्स लॉ से गवर्न होगा, आइडियल गैस का आइसोकोरिक प्रोसेस गेलुसेक लॉ से गवर्न होगा। और इस वक्त इस प्रक्रम के दौरान जो दो अवस्थाएं हैं प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, उनमें किसी अज्ञात प्रॉपर्टी को ज्ञात करना है, अगर बाकी तीन प्रॉपर्टी मालूम है तो आप चौथी प्रॉपर्टी निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे, जब न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का तो सॉल्व करेंगे। यहां सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं जिससे हम लोग इसका आगे का जो समझने वाला पोर्शन है, प्रोसेस को समझने वाला पोर्शन है वो समझ सके। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा देखिए एक हमारे आदर्श गैस में क्या होता है, आदर्श गैस का समीकरण या कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, उसके लिए हम क्या कहते हैं क्या है, अगर निश्चित द्रव्यमान की आदर्श गैस है तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, मींस जो उस गैस का आयतन होगा वो परम ताप के समानुपाती होगा। लेकिन अगर उस आदर्श गैस के निश्चित मात्रा का तापमान कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं एज पर बॉयल्स लॉ उसका जो आयतन है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर हम यहां देखें V प्रोपोर्शनल टू T एज पर चार्ल्स लॉ और V प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, इसका मतलब बॉयल्स लॉ। तो अब अगर हम लोग इसको दोनों कंबाइन कर दें और V को, तो V प्रोपोर्शनल टू T बाई पी, यहां से हम कह सकते हैं पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको कह सकते हैं। अब बेटा यहां पे V जो है ये वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, ये है एम के जी गैस का। अगर ये V एम के जी गैस का है तो ये टोटल वॉल्यूम, अगर इकाई द्रव्यमान के लिए लेंगे क्या हो जाएगा स्मॉल v, तो ये क्या है फॉर यूनिट मास इकाई द्रव्यमान के लिए कैपिटल v विल बिकम p। इसका मतलब यहां पे हो गया pv अपॉन t इज इक्वल टू r, तो pv बराबर rt, ये आ गया अवस्था का समीकरण इसके लिए आदर्श गैस के। तो आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण क्या है, देखिए pv बराबर rt, जहां पे p क्या है प्रेशर, v क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम या इकाई द्रव्यमान के लिए या यूनिट मासेस में। अब लेकिन अगर हम लोग पूरे द्रव्यमान के लिए m द्रव्यमान के लिए निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा m kg और ये v जो है बढ़ के हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। लेकिन इस केस में pv बराबर mRT जो है, ये r जो है ये स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, तो ये कहलाता है टोटल मास बेसिस, ये कहलाता है यूनिट मास बेसिस। लेकिन जो हम लोग इंटरमीडिएट तक लेवल तक पढ़ाई करते थे बेटा, वहां पे मोल बेसिस पढ़ते थे, जबकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें मॉलिक्यूल के लेवल पे करें तो जो मोल बेसिस पे स्टडी होती है तो वहां पे हो जाता है पीवी बराबर एन आर यू टी, जहां पे एम की जगह पे हो जाता है एन, एम है मास ऑफ द गैस, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर के स्थान पे हो जाता है आर यू, आर है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट जो प्रत्येक गैस के लिए फिक्स रहता है, परंतु गैस बदलेगी तो आर का मान बदलेगा, परंतु आर यू जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका मान फिक्स रहता है, ये किसी भी गैस के बदलने पर नहीं बदलता है। तो अब हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं इसका अपनी जो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीवी बराबर एम आर टी का, जो मैक्रोस्कोपिक पढ़ाई होती है जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हम लोग बेटा इस बात को करते हैं। तो ये तीनों ही क्या है अवस्था का समीकरण है, मतलब किसी भी आदर्श गैस की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है या आपने उसको आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता हुआ माना है। भाप के केस में, गीली भाप के केस में, पानी के केस में आप इसको नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पे इन इक्वेशंस को लगा के आप दो अवस्थाओं के बीच में जो अज्ञात प्रॉपर्टी है, जो अननोन प्रॉपर्टीज है, उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा हमारा मेन जो प्रोसेस समझाने का कार्यक्रम है उसको देखिए। अब देखिए बेटा आइसोबेरिक, आइसो का मतलब समान, बार का मतलब प्रेशर की इकाई होती है, आइसोबेरिक का मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस है तो कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी, प्रेशर कांस्टेंट होगी।
अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक प्रॉपर्टी है और आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या लगेगा? चार्ल्स लॉ। इसका मतलब ये जो है किस नियम से संचालित होगा? ये चार्ल्स लॉ से संचालित होगा। अब क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या कहता है? पी प्रोपोर्शनल टू टी, अर्थात प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आदर्श गैस का आयतन के परम ताप के समानुपाती है। वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे टेम्परेचर घटेगा। इसका मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा क्या? वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बदलेगा। अब सर वॉल्यूम बढ़ेगा, मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। अब वॉल्यूम कब बढ़ेगा, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, कब घटेगा? तो यहां पे मैंने बढ़ता नहीं बोला है, हमने बोला चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, परिवर्तित होगा। अब आइसोबेरिक प्रोसेस के केस में सर क्या वर्क ट्रांसफर होगा? मैंने कहा है यस। टिक का मतलब वर्क ट्रांसफर होगा। सर प्लस होगा कि माइनस होगा? मैंने कहा बेटा ये तो जैसा केस होगा वैसा होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सर इस केस में हीट ट्रांसफर होगा? हीट आप ले दे सकते हैं, बिल्कुल ले दे सकते हैं। तो टिक का मतलब है हीट ट्रांसफर होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिपेंड करेगा जैसा केस होगा। मतलब जब हीट देते हैं निकाय को तो बोलते हैं पॉजिटिव, जब हीट लेते हैं निकाय से या निकाय हीट रिजेक्ट करता है, सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो बोलते हैं निगेटिव। एक चीज तय है कि आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने का मतलब समझिएगा, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन एक चीज तय है चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, लेकिन हाँ वॉल्यूम टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। इस दौरान वर्क ट्रांसफर होगा? यस सर। पॉजिटिव या निगेटिव वर्क होगा? इस दौरान हीट ट्रांसफर होगी? यस सर। अब ऐसी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऊपर हमने मान रखा है कि हमारा निकाय कैसा है, क्लोज सिस्टम, और हमारी गैस कैसी है, आदर्श गैस। क्योंकि आदर्श गैस है तभी हम चार्ल्स लॉ लगा पा रहे हैं। अब अगर हमारी आदर्श गैस है और साथ ही साथ क्लोज सिस्टम है, और अगर प्रोसेस हमारा आइसोबेरिक ना हो के आइसोकोरिक है, आइसो का मतलब समान, कोरिक का मतलब यहां पे बेटा कोर से है, कोर का मतलब यहां पे साइज से है, हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक मतलब समान कोर। हम लोग बेटा हाई स्कूल लेवल पे पढ़ते थे ना ठोस ज्यामिति वगैरह में, घन की कितनी कोरें होती हैं? 12। अगर कोरे 12 हैं और कोरे समान हैं, मतलब कोर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोर में परिवर्तन नहीं हुआ मतलब साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब साइज में परिवर्तन नहीं हुआ तो आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम लोग आइसोकोरिक का मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो आइसोकोरिक मीन्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो क्या स्थिर रहेगा? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। अब जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो कौन सा नियम लगता है? तब लगता है हमारा गेलुसेक लॉ। अब गेलुसेक लॉ क्या कहता है? गेलुसेक लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का दाब परम ताप के समानुपाती होगा। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बाकी दो प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, क्या हैं? परिवर्तित होंगी। परिवर्तित होंगी मतलब सर बढ़ेंगी या घटेंगी? मैंने कहा बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन एक चीज तय है पी प्रोपोर्शनल टू टी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। कब प्रेशर बढ़ेगा और साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, कब प्रेशर घटेगा साथ साथ टेम्परेचर घटेगा, ये दो तीन केस होते हैं, हम लोग अभी करेंगे तो समझ में आएगा। बहरहाल फिलहाल प्रेशर टेम्परेचर बदलेगा। क्या सर इस केस में वर्क ट्रांसफर होगा? मैंने कहा नहीं। अगर क्लोज सिस्टम आप मानेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पीछे आपने देखा था क्लोज सिस्टम का जो वर्क होता है किसी भी प्रक्रम में, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल पीडीवी से। और चूंकि यहां पे डीवी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, और आपका प्रक्रम कैसा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? V1 बराबर V2। अगर V1 V2 बराबर है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमारा वर्क जीरो आएगा। तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, न ये वर्क देगा न ये वर्क लेगा। किस स्थिति की बातें कर रहे हैं आप? जब ये सिस्टम क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम है तो इंटीग्रल पीडीवी से वर्क निकालते हैं किसी भी प्रक्रम।
ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। अब सर अगर वर्क नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, मैंने कहा हीट ट्रांसफर होगा। सर हीट ट्रांसफर होगा तो हीट कहां जाएगी, मैंने कहा हीट कहां जाएगी आगे देखेंगे, हो सकता है हीट उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में काम आएगी। तो बेटा इस केस में हीट ट्रांसफर होगा, यस सर हीट ट्रांसफर होगा, वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर होगा। सर हीट देंगे कि लेंगे, सर हीट पॉजिटिव होगी नेगेटिव, मैंने कहा बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक एक्सपेंशन है या आइसोकोरिक कंप्रेशन है। लेकिन एक चीज तय है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, परंतु बाकी दोनों प्रॉपर्टी प्रेशर और टेम्परेचर परिवर्तित हो सकती है। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगी तो दूसरा भी घटेगा। किस नियम से निकाल सकते हैं, सर यहां पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गिलुसक लॉ लगेगा। गिलुसक लॉ क्या बोलेगा, पी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू अपॉन टी टू, उससे निकाल सकते हैं। इस केस में वर्क ट्रांसफर होगा, नो सर। हीट ट्रांसफर होगा, यस सर। ये हमारा हो गया आइसोकोरिक। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा यहां पर जगह बना लें ताकि क्लियर करने में आसानी हो जाए। तो अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे प्रोसेस पे। हमारा तीसरा प्रोसेस क्या है बेटा, तीसरा प्रोसेस हम कहने जा रहे हैं हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब समान, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। इसका मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेटा क्या लगेगा, आदर्श गैस के लिए लगेगा बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इसका मतलब वॉल्यूम जो है दाब के विद्युत को अनुपाती है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या चीज परिवर्तित होगी, प्रेशर और वॉल्यूम परिवर्तित होगा। लेकिन यहां पे क्या था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, या घटा तो दोनों घटे। लेकिन यहां पे क्या है, व्युत्क्रम होगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन एक चीज तय है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, परिवर्तन जो होगा वो प्रेशर वॉल्यूम में होगा। इसका मतलब यहां पे वॉल्यूम टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा समानुपाती है ये दोनों में। और यहां पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम लोगों ने तीन प्रोसेस देखे, तो अब जरा समझिए हाईस्कूल लेवल के इन आइडियल गैस के लॉ और जो हमें इस्तेमाल करने उसके हिसाब से। तो इसका मतलब देखिए बेटा, आइसोबेरिक प्रोसेस चार्स लॉ से गवर्न होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस गिलुसक लॉ से गवर्न होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ से गवर्न होगा। मतलब इस प्रक्रम के दौरान कोई भी दो अवस्थाएं हैं और उसमें हमें तीन प्रॉपर्टी ज्ञात हैं, पी वन पी टू टी वन ज्ञात है और टी टू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी वन अपॉन टी वन बराबर पी टू अपॉन टी टू। मतलब चार में से तीन मालूम है तो चौथी निकाल सकते हैं, बट नियम कौन सा लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा यदि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, चार्स लॉ लगेगा यदि आइसोबेरिक प्रोसेस है, गिलुसक लॉ लगेगा यदि वो आइसो वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइए बेटा अब एक चौथा प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसका नाम है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखिए बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब हीट ना आएगी ना जाएगी। लेकिन हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस ना पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी क्या होती है थोड़ा सा भी आगे देखेंगे। फिलहाल तीनों चारों को एक साथ लिखना था, मैंने लिख दिया ताकि थोड़ा सा मैं प्रोसेस के बारे में आपको आइडिया दे पाऊं। सर इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, मैंने देखिए बेटा इस केस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब ये तीनों परिवर्तित हो सकते हैं। सर तीनों सीधे सीधे बढ़ेंगे, मैंने कहा ना सीधे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ तीनों परिवर्तित हो सकते हैं, हो सकता दो बढ़ेंगे तीसरा घटेगा। आइए अब लेकिन एक चीज तय है, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पे वॉल्यूम टेम्परेचर बदल रहा था प्रेशर कांस्टेंट था, यहां पे प्रेशर टेम्परेचर बदल रहा था वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहां पे प्रेशर वॉल्यूम बदल रहा था टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन यहां पे तीनों बदल सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, ये दो बढ़ेंगे तीसरा घटेगा, क्या होगा कैसे होगा आगे आएगा। अब सर ये बताइए इस केस में वर्क ट्रांसफर होगा, मैंने कहा यस वर्क ट्रांसफर होगा। सर प्लस की माइनस, मैंने कहा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन है। सर इसमें हीट तो दे नहीं रहे हैं तो वर्क कैसे मिलेगा, मैंने कहा वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे कि बिना हीट दिए भी वर्क कैसे मिलेगा। आप हीट नहीं दे रहे हैं तो भी वर्क मिलेगा, क्यों, जो निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। सर इस केस में हीट ट्रांसफर होगा, मैंने कहा नहीं इस केस में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब आप देखिए कि आपके पूरे थर्मोडायनेमिक्स में दो ही मेन हमारी एनर्जी हैं, ट्रांजिएंट एनर्जी
आने जाने वाली एनर्जी, हम निकाय को ऊर्जा कैसे दे सकते हैं, हीट के रूप में दे सकते हैं या ले सकते हैं, वर्क के रूप में दे सकते हैं या ले सकते हैं, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क के रूप में ऊर्जा ले दे नहीं सकते अगर ये क्लोज सिस्टम है और आइडियल गैस है। इसी प्रकार से एडियाबेटिक प्रोसेस में हम हीट के रूप में न ऊर्जा दे सकते हैं न ले सकते हैं। हाँ, वर्क के रूप में ऊर्जा ले दे सकते हैं और हीट के रूप में ऊर्जा ले दे नहीं सकते। अब मैंने इस टेबल से सिर्फ आपके दिमाग में ये बैठाने की कोशिश की है कि इन चारों प्रोसेस को हम किस नियम से गवर्न करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट रहती है, कौन सी प्रॉपर्टी बदलती है, हीट ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है प्लस या माइनस, और वर्क ट्रांसफर होता है कि नहीं प्लस या माइनस। अब मैं थोड़ा सा इसी को एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो आपका इस प्रोसेस के बारे में आइडिया डेवलप होता जाएगा, और जब हम लोग इसका छठा लेक्चर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रोसेसेस को ठीक ठाक समझने लगे हैं। आज आपने पहली बार देखा है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, और जिन्होंने पहले से देखा है रिवाइज किया होगा तो दिमाग में होगा, रिवाइज नहीं किया होगा तो भूल गए होंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बेटा, यह है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक में प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर बदलेगा, वर्क ट्रांसफर होगा प्लस या माइनस, और हीट ली या दी जाएगी, हीट ट्रांसफर भी होगा। अब ये आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब समझिए, अगर हम इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे दिखाएं, मान लीजिए इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम। अब अगर आप कहते हैं ये प्रोसेस आइसोबेरिक है, बेटा प्रोसेस है का मतलब क्या, प्रोसेस है का मतलब प्रक्रम है, प्रक्रम है का मतलब क्या कि जो निकाय है अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था जाएगा। अब जब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था जाएगा तो जिस रास्ते पे वो चलेगा, अगर उस रास्ते को हम प्रदर्शित कर दें तो क्या कहलाएगा, प्रक्रम। अब आइसोबेरिक का मतलब क्या, प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होगा तो अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होना जरूरी है किसी प्रोसेस के होने के लिए। तो अब देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम पे हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाएंगे। नो देखिए यहां पे प्रेशर क्या है, ये 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 यहां पे प्रेशर क्या है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बदल रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बदल रहा है। अब अगर आप एरो ऐसा लगा देते हैं इस तरफ का तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एरो ऐसा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब अगर हम इस तरह से पीवी डायग्राम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो कहलाएगी आइसोबेरिक प्रोसेस, लेकिन अगर एरो इस तरह से लगाया है हमने, इसका मतलब क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, पीछे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको एक्सपेंशन कहेंगे कि कंप्रेशन, हम लोग पीछे देख चुके हैं बेटा कि वास्तव में तो ये होता है एक्सपेंशन, अर्थात प्रेशर गिरे और वॉल्यूम बढ़े। अब इस केस में यह है एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम बढ़े प्रेशर गिरे, इस केस में वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर गिर नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं आइसोबेरिक एक्सपेंशन। आइसोबेरिक एक्सपेंशन में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा नियम लगेगा, प्रेशर कांस्टेंट है आदर्श गैस का तो क्या लगेगा, चार्स लॉ। और चार्स लॉ कहता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब अब अगर हम कहें आपसे कि आइसोबेरिक एक्सपेंशन को पीवी डायग्राम पे दिखाइए तो आप क्या करेंगे, आइसोबेरिक है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अब आइसोबेरिक है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, लेकिन एरो किधर होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब जरा देखिए, हम दिखाना चाहते हैं आइसोबेरिक एक्सपेंशन को पीवी डायग्राम पे और चीजों को थोड़ा समझना चाहते हैं, तो मैंने बोला आइसोबेरिक एक्सपेंशन। अब देखिए आइसोबेरिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है का मतलब, इसका मतलब प्रेशर इस वक्त अगर मान लें हम 1 बोलें तो प्रेशर ये है, और इसको 2 बोलें तो ये है, तो 1-2 क्या है, 1-2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आइसोबेरिक है, लेकिन 1 पे वॉल्यूम क्या था, ये था, और 2 पे वॉल्यूम क्या है, ये, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर वही है तो क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन। तो आइसोबेरिक एक्सपेंशन, प्रेशर कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम बढ़ गया। अब सर वॉल्यूम तो बढ़ गया, सर टेम्परेचर का क्या होगा, मैंने कहा भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा नियम लगेगा, चार्स लॉ लगेगा।
एज पर चार्ल्स लॉ वी प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम चूंकि बड़ा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये हो गया हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस। सर इस दौरान वर्क ट्रांसफर होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। कैसे? मैंने कहा देखिए बेटा, आपने पीछे पढ़ रखा है कि किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया क्लोज सिस्टम के लिए, सारी बातें बेटा हो रही क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया, नीचे का एरिया का मतलब जो वॉल्यूम वाली एक्सेस है उस पर जो एरिया होगा वो वर्क दिखाता है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये क्या होगा? ये वर्क हो। सर ये तो हमारा एरिया ग्राफ पे दिख रहा है, ये वर्क होगा। सर ये प्लस होगा कि माइनस होगा? मैंने कहा बेटा एक्सपेंशन का वर्क है, एक्सपेंशन का वर्क है तो क्या होगा? प्लस होगा। कैसे दिखाई देगा? इस एरिया के द्वारा। अब सर इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने कहा बेटा आपके पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रल पीडीवी, यहां से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सर कर दीजिए। मैंने कहा बेटा हल्का सा हम अभी आइडिया दे रहे हैं, जब हम और चीजें बता लेंगे हीट ट्रांसफर वगैरह के बारे में तो एक साथ सारे को निकालेंगे, लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ये हो गया हमारा आइसोबेरिक एक्सपेंशन। अब आइसोबेरिक एक्सपेंशन में क्या होगा? प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इस वक्त वर्क जो है पॉजिटिव होगा, चूंकि एक्सपेंशन का वर्क है पॉजिटिव होगा, और इस वक्त हीट जो है सिस्टम को ऐड की जाएगी। अब इसको आप लॉजिकली निकाल नहीं पा रहे हैं, आगे देखेंगे तो हो जाएगा। तो हीट ऐड की जाएगी, इसका मतलब अब जरा देखिए ये हो गया आपका आइसोबेरिक एक्सपेंशन। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। आइसोबेरिक एक्सपेंशन में क्या होगा? चूंकि आइसोबेरिक है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसोबेरिक प्रेशर कॉन्स्टेंट। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है? प्रेशर कॉन्स्टेंट और वॉल्यूम बढ़ेगा। अब चूंकि जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ लगता है, चार्ल्स लॉ कहता है वी प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और चूंकि एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे दिखाएंगे? सर आइसोबेरिक प्रोसेस को आप दिखा दीजिए, यह है आपका वन टू, इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम, तो यह है हमारा प्रक्रम आइसोबेरिक एक्सपेंशन। और क्लोज सिस्टम में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि किसी भी प्रोसेस के नीचे का एरिया वर्क देता है, इसका मतलब जो हमारा एक्सपेंशन का वर्क होगा वो ये होगा। सर इस दौरान हीट ट्रांसफर होगी? यस होगी। सर हीट ऐड होगी कि रिजेक्ट होगी? हमने कहा इस वक्त हीट ऐड होगी। सर ये कैसे आया? मैंने कहा बेटा इसको भी निकाल लेंगे, बस अभी हीट और एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सर मान लीजिए यहां एक्सपेंशन के स्थान पे कंप्रेशन होता तो क्या होता? मैंने कहा जरा देखिए, अगर कंप्रेशन होता तो क्या होता? मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अगर कंप्रेशन होता तो क्या होता जरा देखते हैं। ये है पी, ये है वी। अब चूंकि आइसोबेरिक है तो लाइन तो हॉरिजॉन्टल रहेगी, प्रेशर तो सेम रहेगा। कंप्रेशन का मतलब क्या होगा? आयतन घटेगा, तो इसका मतलब अब की बार क्या हो जाएगा? आयतन घटेगा। प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, आयतन घटेगा। अब पी कॉन्स्टेंट है, आयतन घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। क्यों? क्योंकि चार्ल्स लॉ के हिसाब से जब पी कॉन्स्टेंट होता है तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, वी घट रहा है तो टी भी घटेगा। सर इस वक्त जो वर्क होगा वो क्या होगा? मैंने कहा वर्क निगेटिव होगा, कंप्रेशन का वर्क खर्च होगा, निकाय के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं तो वर्क विल बी निगेटिव। सर कितना वर्क होगा? मैंने कहा बस इसी के नीचे का एरिया वर्क होगा इंटीग्रल पीडीवी, लेकिन अब की बार ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये माइनस होगा। पिछली बार एक्सपेंशन में इतना मिला था, कंप्रेशन में इतना खर्च होगा, तो ये वर्क निगेटिव होगा। सर इस वक्त हीट ट्रांसफर होगा? मैंने कहा यस। सर हीट सिस्टम को दी जाएगी कि सिस्टम से हीट निकलेगी? मैंने कहा इस वक्त हीट सिस्टम से निकलेगी, हीट रिजेक्ट होगी, हीट विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। सर ये कैसे आया? मैंने कहा ये भी निकल आएगा, फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं कि आइसोबेरिक एक्सपेंशन और आइसोबेरिक कंप्रेशन आपको दिखाई देने लगा। जब हम फुल एनालिसिस करेंगे तो आपको और चीजें भी दिखाई देंगी, लेकिन कम से कम कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट है, कौन सी घटेगी, कौन सी बढ़ेगी, वर्क होगा कि नहीं होगा, होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, इस बात को आप कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा हम लोग। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो हम लोगों ने आइसोबेरिक एक्सपेंशन और आइसोबेरिक कंप्रेशन को देख लिया, इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं, यहां पे आ गए ये, आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर बदलते हैं, लेकिन अगर ये एक्सपेंशन प्रोसेस है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा,
और वर्क क्या है पॉजिटिव होगा और हीट ट्रांसफर क्या है पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये आइसोबेरिक कंप्रेशन है तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कंप्रेशन है तो वॉल्यूम घटेगा, और चूंकि वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। किसने बोला? चार्ल्स लॉ ने बोला, वी प्रोपोर्शनल टी, जैसा वी बिहेव करेगा वैसे टी बिहेव करेगा। और चूंकि कंप्रेशन है तो वर्क निगेटिव होगा। कैसे मालूम चलेगा वर्क? सर प्रोसेस के नीचे का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रल पीडीवी से कैलकुलेट कर लेंगे, उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। सर हीट ट्रांसफर कैसे होगा? उसको भी निकालेंगे हम लोग। इसका मतलब बेटा हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस को कुछ कुछ समझने लगे, शायद अगर हमें जितना पढ़ना है उसका 10-20% समझने लगे, 80% अभी हमें और समझना है। आइए अगले प्रोसेस को देखने की कोशिश करते हैं बेटा। अगला प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, क्या बदलेगा? प्रेशर टेम्परेचर बदलेगा। सर बढ़ेगा कि घटेगा? मैंने कहा बेटा ये निर्भर करेगा कि हमारा एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन। अब आपने बोला आइसोकोरिक, अब हमारा अगर ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, आइसोकोरिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कैसे आएगा? एक वर्टिकल लाइन आएगी। अब अगर आप कह रहे हैं ये वर्टिकल लाइन है और आप कह रहे हैं मान लीजिए आइसोकोरिक, अब देखिए बेटा याद कीजिए ये हमारा एक्सपेंशन था 1-2 पीवी डायग्राम पे, तो प्रेशर क्या हो रहा था? गिर रहा था। वॉल्यूम क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब आप कह रहे हैं मान लीजिए आइसोकोरिक एक्सपेंशन। आइसोकोरिक एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन में या तो वॉल्यूम बढ़े या प्रेशर गिरे। अब वॉल्यूम तो घट बढ़ नहीं सकता, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ सकता, तो कोई बात नहीं वॉल्यूम स्थिर रहे, प्रेशर गिरे तो ये हो गया प्रेशर गिरे। इसका मतलब जब एरो डाउनवर्ड्स होगा, जब प्रेशर गिरेगा तो एक्सपेंशन, तो आइसोकोरिक एक्सपेंशन में क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर क्या होगा? गिरेगा। तो प्रेशर गिरेगा, जब प्रेशर गिरेगा तो उल्टा लग गया एक्सपेंशन में बेटा, एक्सपेंशन में प्रेशर गिरेगा, और जब प्रेशर गिरेगा तो अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गिल शुक्ला क्या कहता है? पी प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब प्रेशर गिरेगा तो टेम्परेचर भी गिरेगा, तो ये भी गिरेगा बेटा और ये भी गिरेगा, थोड़ा सा ये उल्टा एरो लग गया है। अब सर इस दौरान इसका मतलब जब भी हम कहेंगे आइसोकोरिक तो वर्टिकल लाइन, और आइसोकोरिक एक्सपेंशन कहेंगे तो एरो नीचे की तरफ जाएगा। एरो नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है? ये 1 है, ये 2 है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन शुरू में प्रेशर क्या था? ये था। अब प्रेशर क्या है? फाइनली ये है, तो प्रेशर क्या हो गया? गिर गया, प्रेशर गिरेगा। सर टेम्परेचर क्या होगा? मैंने कहा देखो बेटा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गिल शुक्ला लगता है, और गिल शुक्ला कहता है पी प्रोपोर्शनल टू टी। अगर आपका प्रेशर गिर रहा है तो टेम्परेचर भी गिरेगा, तो आइसोकोरिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा। सर इस दौरान वर्क ट्रांसफर होगा? मैंने कहा नहीं, वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? जीरो होगा। क्यों भाई? इंटीग्रल पीडीवी से हम लोग वर्क निकालते हैं क्लोज सिस्टम का, और चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, V1 बराबर V2 है, तो डीवी बराबर जीरो, और डीवी बराबर जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। इस केस में वर्क जीरो होगा। सर इस केस में हीट ट्रांसफर होगा? मैंने कहा यस। सर हीट ऐड होगी कि रिजेक्ट होगी? मैंने कहा हीट रिजेक्ट होगी। सर कैसे आया? मैंने कहा इसको आप लोग देखेंगे आगे। तो बहरहाल बेटा हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आइसोकोरिक एक्सपेंशन को कैसे दिखाएंगे नीचे की तरफ। अब सर हमें अगर आइसोकोरिक कंप्रेशन दिखाना है तो क्या करेंगे? मैंने कहा आइए थोड़ा सा देखते हैं, आइसोकोरिक कंप्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेंशन हो गया। अब बेटा आइसोकोरिक कंप्रेशन, आइसोकोरिक कंप्रेशन, अब देखिए ये है पी, ये है वी। आइसोकोरिक है तो क्या होगा? आइसोकोरिक है तो वर्टिकल लाइन होगी। अब कंप्रेशन, अब देखिए बेटा कंप्रेशन हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये हमारा है मान लीजिए 1-2। कंप्रेशन में क्या होना चाहिए? सर प्रेशर बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम घटना चाहिए। यहां देखिए ये था वॉल्यूम, ये था वॉल्यूम, वॉल्यूम घट के ये हो गया, और ये था प्रेशर, बढ़े। सर प्रेशर बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम घटना चाहिए। अब वॉल्यूम तो घट बढ़ सकता नहीं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ठीक है सर वॉल्यूम नहीं घट पड़ सकता तो प्रेशर ही बढ़ जाए, तो प्रेशर बढ़ जाए मतलब ये, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आइसोकोरिक कंप्रेशन। अब आइसोकोरिक कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर बढ़ेगा। बेटा उल्टा लग गया, दोनों उल्टा हो गए ना। प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों? चूंकि गिल शुक्ला लॉ से दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। तो इस दौरान वर्क ट्रांसफर होगा? मैंने कहा नहीं। जब वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं तो वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। वर्क ट्रांसफर क्या होगा? जीरो होगा। इस दौरान क्या होगा? हीट ऐड होगी। मैंने कहा यस हीट ऐड होगी, तो इसलिए पॉजिटिव। इसका मतलब बेटा हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस को देखा वर्टिकल लाइन से। अब ये एरो ऊपर जाएगा कि एरो नीचे आएगा डिपेंड करेगा ये एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, और एक्सपेंशन में सामान्यतः वर्क मिलता है, परंतु अगर आइसोकोरिक एक्सपेंशन है और क्लोज सिस्टम है तो इंटीग्रल पीडीवी से वर्क नहीं मिलेगा।
तो जब वर्क नहीं मिलेगा तो हीट भी नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं हीट देंगे। सर हीट कहाँ जाएगी, ये वर्क तो हो नहीं रहा। मैंने कहा हीट जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगी। कैसे होगा, या फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट दे देंगे थोड़ा सा, इसको समझाने में आसानी होगी। अभी हम सिर्फ चाह रहे हैं कि आपको इस प्रोसेस को एरो पे दिखाना शुरू करें, पीवी डायग्राम पे आप दिखा लें। आइए बेटा अगले पे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब हम लोग आ गए तीसरे पे, आइसोथर्मल। अब देखिए बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखाना पीवी डायग्राम पे आसान नहीं है, लेकिन हाँ पीवी डायग्राम पे हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अब यहां पे तो कोई भी टेम्परेचर एक्सिस है नहीं, तो ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल का मतलब बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कैसा होता है ये, तो अगर हम लोग इस तरह से दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है टेम्परेचर बराबर कॉन्स्टेंट, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। या कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। अब अगर हमारा ये वन है ये टू है तो वॉट इज दिस, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बोलिए पी वी बराबर कॉन्स्टेंट बोलिए एक ही बात है, आइडियल गैस के लिए दोनों चीजें लागू होती हैं। तो वन टू क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहेगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे टेम्परेचर फिर। लेकिन अब अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है ये एक्सपेंशन है तो क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो आप देखिए यहां पे प्रेशर ये था, यहां पे प्रेशर ये है, प्रेशर घट रहा है परंतु वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर तो घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है परंतु प्रेशर गिर रहा है, प्रेशर गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। सर इस दौरान वर्क ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। सर पॉजिटिव की नेगेटिव, मैंने कहा एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। कितना होगा, मैंने कहा इस कर्व के नीचे का एरिया होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क। सर इस दौरान हीट ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। सर हीट देंगे कि लेंगे, हीट एडेड टू द सिस्टम होती है, हीट विल बी पॉजिटिव। कैसे आएगा फिर देखिए। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सर अगर इसकी जगह पे कंप्रेशन होता तो क्या होता, मैंने कहा इससे कंप्रेशन होता तो कर्व उल्टा हो जाता, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ये हो जाता इस तरह से वन टू, ये पी है ये वी है। लेकिन हाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता, कौन सा नियम लगता, बॉयल्स का नियम लगता, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, या कह सकते हैं आप पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। तो टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट। लेकिन इस वक्त टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, लेकिन आप देखिए ये था प्रेशर, ये हो गया प्रेशर, प्रेशर बढ़ गया। ये था वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम घट गया। तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। इस दौरान वर्क खर्च होगा कि वर्क मिलेगा, सर कंप्रेशन है, कंप्रेशन में वर्क खर्च होता है। कितना वर्क खर्च होगा, इस वन टू के नीचे का एरिया, तो वर्क विल बी नेगेटिव। सर इस दौरान हीट क्या होगी, मैंने कहा भाई आप चाह रहे हो कि इसको कंप्रेस करो और जो वर्क खर्च करो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर ना बढ़े, तो मानी बात है जितना वर्क खर्च कर रहे हो इतनी हीट इससे बाहर फेंको, तो इस विल बी हीट ट्रांसफर होगा। यस सर। सर हीट एडेड टू द सिस्टम होगा, हीट निकलेगी सिस्टम से, सिस्टम से हीट निकलेगी। इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क मिलेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। बट कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क खर्च होगा। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा और हीट विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अब हमने पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल को भी दिखाना सीख लिया। अब हम लोग चल रहे हैं बेटा अपने चौथे प्रोसेस पे। अब देखिए बेटा चौथे प्रोसेस को हम लोग दिखाने जब जा रहे हैं, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, या बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब बेटा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, या आप कह सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है, वो भी पीवी डायग्राम पे इस प्रकार से दिखाया जाता है। लेकिन इस कर्व का इक्वेशन पीवी बराबर कांस्टेंट की जगह होता है एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। आइडियल गैस के लिए जो हमारा इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, या जिस रिलेशनशिप से बंधे रहते हैं, वो होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो नाउ व्हाट इज वन टू, सर वन टू है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कैसे मालूम, सर इक्वेशन लिखा हुआ है एडियाबेटिक इक्वेशन, इसका मतलब वन टू पे क्या है, एक्सपेंशन। अब इस वक्त क्या चीज होगी, सर प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा। अब चूंकि एक्सपेंशन है, अगर हम लोग कह रहे हैं एक्सपेंशन है, देखिए यहां पे अगर एक्सपेंशन है तो थोड़ा सा मैं पर से इसको मिटा, ये हमारा क्या है एडियाबेटिक। अगर हमारा ये एक्सपेंशन है बेटा, एक्सपेंशन है तो क्या होगा, प्रेशर गिर रहा है। देखो ये प्रेशर था, प्रेशर ये हो गया, प्रेशर गिर गया, ओके। वॉल्यूम क्या है, ये था, वॉल्यूम ये हुआ बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एक्सपेंशन में प्रेशर गिरता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वर्क मिलेगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। लेकिन चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा।
अब सर इस केस में टेम्परेचर क्या होगा? मैंने कहा बेटा इस केस में टेम्परेचर गिरेगा। अब ये कैसे लॉजिकली प्रूफ करेंगे इसको हम लोग, फिर वही बात आएगी इंटरनल एनर्जी की कि आपने हीट तो दी नहीं है, हीट दी नहीं और आपको वर्क मिला है, कितना वर्क मिला है? इसके एरिया के बराबर। तो कैसे मिला? बिना हीट के वर्क कैसे मिला? सर निकाय ने अपनी आंतरिक ऊर्जा गिराई, फलस्वरूप उसका टेम्परेचर गिरा, क्योंकि हमारे किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर का फलन होती है। बेटा अभी मैं बता नहीं रहा हूं, मैं अभी आगे आएगा तो और एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। अब ये हो गया हमारा आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन, या कह सकते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सर मान लीजिए यहां पे कंप्रेशन होता तो क्या होता? मैंने कहा बेटा अगर कंप्रेशन होता तो क्या होता, देखो ये कर्व कुछ इस तरह से आता। सर ये तो बॉयस लॉ वाला कर्व है। मैंने कहा नहीं, वो था पीवी बराबर कॉन्स्टेंट, ये वो कर्व नहीं है, यह है पीवी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये वन है, ये टू है, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, परंतु वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम घटेगा। और जो कंप्रेशन है तो वर्क जेब से खर्च होगा, वर्क विल बी निगेटिव, तो वर्क विल बी निगेटिव। सर हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं? मैंने कहा बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मीन्स हीट ट्रांसफर जीरो। सर टेम्परेचर क्या होगा? मैंने टेम्परेचर बढ़ेगा, इस केस में टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा तो देखिए, अब बेटा हम लोगों ने एक तरह से, और वर्क को कैसे दिखाएंगे, सर वन टू के नीचे का एरिया। तो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, वर्क सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, एक्सपेंशन में वो प्लस होगा और कंप्रेशन में वो माइनस होगा। और आइसोक्रिक के केस में तो वर्क होगा ही नहीं, जीरो होगा। अब हम लोग वापस अगर चार्ट पे चलें तो थोड़ा सा देख पाएंगे कि आप हमने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। ये देखिए हमारा ये चार्ट था, इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं बेटा। अब देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबेटिक में या रिवर्सिबल एडियाबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट बदलेगा क्या? वॉल्यूम टेम्परेचर। लेकिन क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम टेम्परेचर बदलेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। लेकिन बढ़ेगा कब? जब एक्सपेंशन होगा। घटेगा कब? जब कंप्रेशन होगा। सिमिलरली आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्या बदलेगा? प्रेशर टेम्परेचर बदलेगा। सर दोनों अलग अलग बदलेंगे कि सेम? मैंने कहा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और एक घटेगा दूसरा घटेगा। कब बढ़ेंगे? एक्सपेंशन में बढ़ेंगे और कंप्रेशन में घटेंगे। यहां पे क्या है, यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आइसोथर्मल में एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर गिरेगा। कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। और एडियाबेटिक में क्या होगा, तीनों बदलेंगे लेकिन तीनों डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगी, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप होगी और डिपेंड करेगा टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। अब लेकिन वर्क ट्रांसफर आइसोकोरिक में जीरो होगा और हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक में जीरो होगा, और बाकी तीनों में वर्क और हीट ट्रांसफर पॉसिबल होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिपेंड करेगा वो एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। कैसे इसको लॉजिकली पकड़ेंगे, जब हम प्रोसेस को पूरा एनालाइज करना सीख जाएंगे तो पकड़ पाएंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर से आपको कम से कम प्रोसेस में से 10-20% चीजें हमने बताई हैं, जो कि अगर एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगी। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी के बारे में हल्का सा आइडिया लेके फर्स्ट लॉ को डिस्कस करें। जब फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर लेंगे तो हम पूरे प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, और जब उस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करेंगे तो चीजें आपके समझ में आने लगेंगी। ठीक है बेटा, तो हम क्लास को आज यहीं पर रोक रहे हैं, अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।